नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग टाइप 7 पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर हो जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, हमको क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए इसमें लिखा क्या है, 144 रुपए में बेचने पर 144। देखिए मित्रों, इसको लगाने का तरीका देखिए, कई तरीका है। इस 144 को हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि गुणा करें तो 144 आए और उन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाए, 10 हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 18 × 8, 18 × 8 = 144 होता है और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया, इन दोनों के बीच का अंतर 10 आया है। ऐसे कंडीशन में जो संख्या सबसे इसमें से छोटी होती है उसी भी क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें जब 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 80 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और भी तरीका देख लीजिए, एक तरीका और ये भी देखिए मित्रों, इसी को कैसे लगाया जाएगा। ये यहां पर इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक आपका 4 है। क्या है इकाई का अंक, 4 है। ठीक है, किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 4 आएगा, किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 4 आएगा? तो आप ये देखिए, 2 का वर्ग करते हैं तो भी 4 आता है, 8 का वर्ग करते हैं तो भी 4 आता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप ये देखिए कि अगर 0 लगाया जाए, 0 अगर इसमें हम लगा दे, दोनों में, इसमें भी 0 लगा दे और इसमें भी 0 लगाने के बाद अगर ये देखिएगा, क्या दोनों संख्या इससे छोटी हैं? अगर दोनों संख्याएं इससे छोटी हैं तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा। अगर दोनों संख्याएं छोटी हो तो, अगर एक संख्या बड़ी हो जा रहा है एक छोटी, तो छोटी वाला लेंगे। ठीक है, अगर इसमें एक संख्या क्या होता, 144 से बड़ा हो जाता और एक छोटा होता तो क्या करते हम लोग, छोटा वाला लेते। लेकिन हुआ क्या कि 0 लगाने के बाद दोनों संख्याएं, ये 20 है, ये क्या है 80, 144 से छोटा है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो गया। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है, सभी को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसको ऑप्शन से कैसे लगाते हैं, भाई ऑप्शन कैसे लगाते हैं। तो ऑप्शन से लगाने के लिए मित्रों आप क्या कीजिएगा कि सबके 0 को भूल जाइएगा। ठीक है, सबके 0 को भूल जाइएगा, 0 तो रहेगा ही रहेगा, उससे कोई मतलब मत रखिएगा। अब आप ये देखिएगा, अगर ये 4 है तो 4 आपको ये देखना है कि 10 से कितना ज्यादा है। ठीक है, तो 10 से कितना ज्यादा है ये, ठीक आपको ये करना है। जैसे 4 है तो 4 10 मतलब कि 10 आपका रहेगा, 10 में 4 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 10 में 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 14, 14 चौका 56, गलत हो गया। ये क्या है, 6, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 छक्का 96, ये भी गलत हो गया। होना क्या चाहिए, 144। यहाँ पर 7 है, 7 इसका मतलब 17 आएगा, 17 सत्ते वो भी नहीं हो रहा है 144। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 है तो 18, 18 अट्ठे हो रहा है 144, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हमने इसकी 0 को हटा दिया। ठीक है, अब हमने देखा 4 लिखा है तो हम 10 में 4 जोड़ देंगे, 14, 14 चौका 56, नहीं हो रहा है, 144 आएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। अब हम लोगों ने आप पढ़ा था, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, एक चीज बताया था कि सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस, इस तरीके से भी हम लोग देख लेते हैं मित्रों, सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस इजकल टू एसपी इंटू 100। ठीक है, सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस इजकल टू एसपी इंटू 100। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, कितना है बेचने पर विक्रय मूल्य, 144। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 144 इंटू 100। और उसके बाद सीपी, सीपी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, जो पूछ रहा था उसी को हम मान लेते हैं, क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य हमने एक्स मान लिया। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट पूछा था ना, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान दिया गया है, तो लाभ प्रतिशत का देने का मतलब क्या हुआ कि 100 प्लस एक्स करेंगे, क्योंकि दोनों सेम रहेगा ना, जितना हमारा सीपी रहेगा उतना ही हमारा प्रॉफिट रहेगा, दोनों को हमने सेम कर दिया। ठीक है, 100 प्लस करेंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो, लॉस होता तो 100 माइनस किया जाता। अब देखिए मित्रों, ये क्या बनने जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा,
तो ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, इसको अगर अंदर गुणा करेंगे तो काफी लंबा जाएगा। अब बचने के लिए क्या करो, फिर आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हो। क्या लिखा है यहाँ, 40, 60, 70, 80। अगर इससे लगाना चाहो तो अगर हम यहाँ पर 40 रखेंगे तो ये 40 हो जाएगा और 140 ये बनेगा। 40 जब जोड़ोगे 100 में 140, 14 चौका 56 गलत हो जाएगा। 60 रख के देखोगे यहाँ पर ऑप्शन से, ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 160, 16 छक्का 96, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, 70 लग के देखोगे गलत हो ही जाएगा, क्योंकि 70 आपका विषम, ये सॉरी 70 है, 70 रख के देखोगे तो भी गलत हो जाएगा। ये 70 ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 70, और ये क्या हो जाएगा 170। ठीक है, 170 तो ये भी आपका गलत हो रहा है। अगर हम यहाँ 80 रख दे, 80 ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम 80 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर 80 रखोगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, 100 में 80 जोड़ोगे 18 8 144, 20 आपका हो रहा है। यानी आपका उत्तर भाई ऑप्शन से लगाओगे तो भी आपका लग जा रहा है, इससे लगाओगे तो भी लग जा रहा है, इससे लगाओगे तो भी लग जाएगा। अगर आपको ये नहीं करना चाहे तो ऑप्शन यहाँ से नहीं रखना चाहे तो द्विघात समीकरण बनाओगे। द्विघात समीकरण कैसे बनाओगे ये भी आप देख लीजिए। द्विघात समीकरण जब बनाओगे तो इसको अंदर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 100x + x² = 14400। फिर इसको सॉल्व करोगे, इधर लेकर जाओगे तो लिखोगे x² + 100x - 14400 = 0। उसके बाद इसका फैक्टर करोगे। ठीक है, जब इसका फैक्टर करोगे 18 8 144 तो लिखेंगे क्या हम लोग, x² + यहां पर कितना आ जाएगा आपका 180x - 80x। 18 8 होता है ना, यहाँ 144 है 00, तो यहां पर माइनस में 80x और -14400 = 0। फिर उसके बाद इसमें कॉमन लोगे, सॉल्व करोगे, तब जाके उत्तर आएगा, काफी लंबा जाएगा। ठीक है, इसको बता दे क्या आगे, चलिए देख लीजिए, क्योंकि द्विघात समीकरण भी आप लोग जानिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आप लेखपाल की तैयारी करोगे तो वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, बताएंगे, ये भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा लेखपाल की वैकेंसी जब आएगी तब। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x² और यहाँ पर क्या है 180 है, प्लस में 180x और उसके बाद माइनस 80x - 14400 = 0 है। इसमें से कॉमन ले लो x, तो क्या आ जाएगा x + 180, हमने x कॉमन लिया तो एक x यहां बचेगा 180, माइनस का 80 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x + 180। ब्रेकर सेम, इसका मतलब सही सॉल्व कर रहे हैं, तो x + 1 = 0 कीजिएगा, x + 180 और यहां पर क्या आ जाएगा x - 80 = 0। ठीक है, अब देखिए ये वाला चीज तो हो नहीं सकता क्योंकि x + 180 = 0 तो x - 180 आ जाएगा, इसीलिए इसको लेंगे नहीं, ये माइनस वाला आपका लिया जाएगा, x - 80 = 0 तो x कितना आ जाएगा 80 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक तरीका है मित्रों, समझ में आया कि नहीं, ये बेसिक तरीका आपका पहला क्वेश्चन था, इसीलिए बता दिया गया, बाकी आप एग्जाम में ये तरीका मत लगाइएगा। ठीक है, जो बताया गया इससे पहले उसको लगाइएगा और इसको ये जानिएगा, अगर कहीं यहां पूछता कि लाभ प्रतिशत क्या होगा तो बस 80% हो जाता। ठीक है, जितना अभी तक तरीका बताया वही चीज हो जाता, क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। समझ में आए कि नहीं, अगर पूछ लेता कि वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा, समझ में आए कि नहीं, तो यहां पर क्या हो जाता आपका 80% हो जाता, रुपया हट जाता। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर हो जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो तुरंत आपके दिमाग में उत्तर आ जाना चाहिए, 16 छक्का 96, कितना उत्तर हुआ 60 आंसर हो गया। समझ में आई कि नहीं, देखो कितना स्पीड से आपका काम कर रहा है, 16 × 6 = 96। ठीक, छोटी अंतर कितना है 10 का, यही 60 आपका उत्तर हो गया, लगाने की जरूरत ही नहीं। समझ में आ गया सभी को, किसी कोई प्रॉब्लम तो बताइए, तो आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, हर तरीके से आप लगा सकते हो, इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर हो जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर पूछता लाभ प्रतिशत क्या होगा तो भी उत्तर वही होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 119 का मतलब कि इसको दो ऐसे फैक्टर में डिवाइड करो कि गुणा करें तो 119 और बीच का अंतर कितना हो 10, तो 17 सत्ते 119 यानी 70 आपका उत्तर हो गया।
सभी को समझ में आ गया, ठीक है 119 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 17 × 7 और ये क्या हो जाएगा 70 आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं मित्रों, देखिए मित्रों इस बार क्या लिखा हुआ, 56 रुपया लिखा हुआ ना, किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत का क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर हो जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो लगा ले जाओगे इसको, ये आप लोग लगाइएगा ठीक है, और उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या होगा। हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हो होमवर्क में, एक आपको 56 रुपये का लगाना है ठीक है, एक आपको 39 रुपये का लगाना है, ये भी अगर लिखा रहेगा तो आपको लगाना, ये आपको सॉल्व करना, और एक क्या सॉल्व करना आपको 24 रुपये में, और हर कंडीशन में आपको क्या निकालना है, क्रय मूल निकालना है या लाभ प्रतिशत निकालना, उत्तर तो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई कि नहीं। तो इसको आप लोग लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, और हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अब ठीक है, इसको लगाइएगा। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर क्रय मूल का संख्यात्मक मान हानि प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर हो जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस बार हानि प्रतिशत दिया गया है ठीक है, और क्रय मूल्य पूछा है, हानि प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर बोला है, इससे पहले वाले में क्या था क्वेश्चन में, लाभ प्रतिशत था। तो ऐसे कंडीशन में 24 जो लिखा हुआ इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करो कि गुणा करे तो 24 आए और उनका योग कितना हो जाए 10 हो जाए, तो 6 × क्या लिख सकते हैं 4, 6 × 24 हो रहा और 6 × 4 = 10 भी तो हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, आपका उत्तर ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, दोनों उत्तर आपका सही रहेगा। अब ऑप्शन देखिए कौन सा डाला, इसमें भी 10 से गुणा कर दिया गया, इसमें भी 10 से गुणा कर दिया, ठीक है दोनों उत्तर आपका सही है, समझ में आ गया ना। विकल्प में देखिएगा कोई एक ही रहेगा तो वही उत्तर हो जाएगा, अगर दोनों डाला है तो एक ऑप्शन डालेगा कि ये दोनों सही है, सभी को समझ में आ गया ठीक है। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, इसको ऑप्शन से भी लगाना है तो देख लीजिए, जैसे कि ऑप्शन में लिखा हुआ है 20, 40, 60 और उसके बाद यहां 70 लिख दिया, ये आपका ऑप्शन दिया गया है। तो अगर ऐसा दिया गया है तो ऐसे ऑप्शन में एक ऑप्शन, बैंक एग्जाम में खासकर 5 ऑप्शन होता है, अब इसमें ये दोनों सही है तो यहां पर या तो एक ऑप्शन ये लिख दो यहां पर कि बी और सी दोनों सही है, बी और सी दोनों सही है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसमें से कोई एक ही दिया है तब ये नहीं दिया रहेगा, लेकिन अगर 40 भी दे दो 60 भी तो क्या लिखा रहेगा, बी और सी दोनों सही है, तो आपको कौन सा लगाना, इसको टिक लगाना है ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करो 0 को हटा दो, और आपका अगर 2 है तो 10 में क्या करेंगे, 10 में से 2 हटा देंगे इसमें, तो 10 में से 2 घटाओगे 8, 8 × 2 = 16, क्या 24 हो रहा है, नहीं हो रहा, गलत हो गया, ये 4 है 10 में से 4 घटाओ कितना जाएगा 6, 6 × 4 = 24 और 6 × 4 = 24 देखो बन ही रहा है ठीक है, तो ये तो उत्तर हो गया। अगर ये 6 है तो 10 में से 6 घटाओगे 4 तो 4 × 6 = 24 होता है, तो ये भी उत्तर ये भी उत्तर दोनों सही है ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों सही है, सभी को समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 9 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान हानि प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर हो जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप देखिए 9 रुपया लिखा हुआ है, इसको अगर हम गुणा करें तो 9 × क्या करेंगे 1, क्योंकि ऐसे दो पार्ट में, तीन तरीका भी 9 होता है ठीक है, लेकिन आपको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि योग क्या हो जाए उसका 10 हो जाए, और गुणा करें तो क्या है 9, तो देखिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 90 भी सही है और 10 भी सही है, ये दोनों ही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा ठीक है, ये भी उत्तर सही है ये भी उत्तर सही है, ऑप्शन में देखिए कौन सा देता है, सभी को समझ में आ गया। अगर यहाँ लिखा है कि बराबर हो जाता है, वस्तु का हानि प्रतिशत क्या होगा या हानि प्रतिशत क्या होगा पूछ ले, तो आपका उत्तर कितना होगा 90% और 10%, ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और लगाते हैं मित्रों, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान हानि प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर हो जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कितना आसान है, आप सोचिए तो इमेजिनेशन बिना पेन चलाए लगा सकते हो, सात्विक
21 और 7 3 10 होता है, तो 70 भी उत्तर सही और 30 भी सही है, दोनों सही है। सभी को समझ में आ गया? तो ये टाइप 7 था और इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। और इसको आप लोग देखिएगा, अगला वीडियो हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिएगा, ठीक है।